नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना हर्ष। रेखा ज्योतिष के अनुसार लोगों की हाथों की रेखाएं देखकर उनके भविष्य, स्वभाव, व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। हाथ की रेखाएं देखकर ये तक जाना जा सकता है कि व्यक्ति करियर में तरक्की करेगा या नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा कि नहीं। हथेली में रेखाओं के साथ साथ कुछ चिन्ह भी मौजूद होते हैं, जो कुछ चिन्हों से लोगों के जीवन में शुभ और अशुभ कुछ न कुछ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ चिन्ह की मौजूदगी से व्यक्ति का जीवन भर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं हथेली पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। इनकी मौजूदगी से व्यक्ति को जीवन में हर भौतिक सुख सुविधा का प्राप्त होती है। आज हम आपको हथेली में एक्स का निशान या क्रॉस का निशान के बारे में बताने जा रहे हैं। ये निशान जिस व्यक्ति की हथेली पर होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। हस्तरेखा में इसे बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं जिस व्यक्ति की हथेली पर यह निशान होता है उसे हर भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है, उसका जीवन सुख में व्यतीत होता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली के गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है उसे जीवन में हर सुख सुविधा मिलती है, उसका जीवन साथी उससे बेहद प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है और उच्च मुकाम पर पहुँचता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की हथेली के शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान अशुभ माना गया जाता है। कहते हैं कि शनि पर्वत पर निशान का होना अनहोनी होने, लड़ाई झगड़े, चोट लगने की ओर इशारा करता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है ऐसे लोग शासन प्रशासन में अपना करियर बनाते हैं और तरक्की करते हैं। इन लोगों में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। हालांकि इनके जीवन में कभी न कभी मान सम्मान की हानि होती है। हस्तरेखा जानकार के मुताबिक दोनों हाथों पर क्रॉस का निशान होना बेहद शुभ होता है। ऐसे लोग जीवन में खूब पैसा कमाते हैं, इनके पास बहुत धन दौलत होती है, ये जीवन में बहुत मान सम्मान पाते हैं, अपने पुष्टों के लिए करोड़ों छोड़ जाते हैं। अगर आप भी इनमें से एक तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।